हेलो एवरीवन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके क्लास टेंथ मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर 1 की वीडियो जो ऑलरेडी डल गई है, ऑलरेडी जो है ऑल सब्जेक्ट की डल गई, बट एक न्यू सीरीज है, एक नए सेशंस के लिए हम लोग इस यहाँ से आप फिर से स्टार्ट किए। तो आप लोग जो है, आप लोग भी जो है अपनी एनर्जी को बिल्डअप करके एक नए एनर्जी, नए जुनून के साथ आपको पढ़ाई जो है स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग इस चैप्टर 2 पे जो इंट्रोडक्शन देखने वाले कि कैसे ये चैप्टर्स है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हम देखने वाले, कंप्लीट डिटेल देखने वाले, और साथ ही साथ हम जो है समीकरण बनाना आपको सिखाऊंगा, फिर उस समीकरण को बनाने के बाद हल कैसे करना कंप्लीट आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलो फिर सीखते हैं अध्याय 2। दो चरों का क्या है, रैखिक समीकरण। यहाँ पार्ट का नाम आपको समझना बहुत जरूरी है भाई। देखो, चर बोला गया, तो चर राशि किसको बोलते हैं ये आप लोग पहले जान लो, ठीक है। चर राशि किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम पिछले पार्ट में भी पढ़े, जब मैं आपको बहुपद की परिभाषा बताया हूं तब भी आपको चर और अचर की परिभाषा बताया हूं, और यहां पर भी मैं बता देता हूं कि चर राशि क्या होती है। वे राशि जिसकी कोई निश्चित मान नहीं होती है, जैसे कि ये एक्स वाई जेड, इसकी क्या कोई निश्चित मान है क्या? नहीं ना भाई। तो ऐसी राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, चर कहते हैं। फिर उसी चर का हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण की परिभाषा ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखो क्या है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की जो है अधिकतम घात 1 होती है। मतलब देखो, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या रहेगा, उसकी अधिकतम घात हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होगी, 1 होगी, तब उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। चलो समझते हैं इसकी कैसे, किस टाइप से भाई। इस तरीका से a1x plus b1y equal to होता है c1, इस तरीका से कोई इक्वेशन होती है। सिमिलरली अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो a2x plus b2y equal to c2 होता है, ये इक्वेशन नंबर 2। आया क्या ये वाली, ठीक है। यहां पर देखो हम लोग का क्या है, a1x, मतलब यहां पर x की घात, देखो चर बोला गया ना, चर की घात 1 होनी चाहिए, तो x की घात 1 है, y की घात 1 है। उसी तरह नीचे में भी हम कितना भी समीकरण लिखे, अगर इस तरीका से आती है, दो चर बोला गया इसलिए x और y दो चर इसमें यूज होने वाला है पूरे पार्ट में, ठीक है। अगर नंबर्स की बात करें तो a1 b1 और c1 की जगह नंबर्स रहेंगे, a2 b2 c2 की जगह नंबर्स रहेंगे, कैसे भी इस तरीके से 2x plus 5y बराबर 10, इस तरीके से हो सकता है ना। उसी तरीके से 3x plus 3y बराबर 7, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीका से ही हमारा क्या रहता है, रैखिक समीकरण। और आपसे पूछा जाए कि क्या होता है रैखिक समीकरण, ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो आपको क्या बताना है, ऐसे समीकरण जिसमें चर की जो अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। क्लियर है। अब हम लोग उसको बनाना सीखेंगे, किसको भाई, रैखिक समीकरण को कैसे बना सकते हैं, जो भी कथन दिया रहता है उस कथन के हिसाब से। देखो ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि हमें कथन दे देंगे उससे हमें क्या बनाना है, समीकरण। और जो 6 मार्क्स वाली क्वेश्चंस आती है तो उसमें भी इस टाइप से कथन रहता है, इसलिए जो कथन आपको इंपॉर्टेंट है, ईजी है, जो जरूरी है, वो आपको करा देता हूँ। देखो फर्स्ट है समीकरण बनाना, हम सीखेंगे इस तरीके से समीकरण बनाएंगे, तो उसके लिए क्या है, कथन है। एक कॉपी व 5 पेन का मूल्य 20 रुपए है बोल रहे हैं, एक कॉपी व 5 पेन का मूल्य, तो इसको हमें समीकरण में दिखाना है। तो इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, माना लिखना पड़ेगा भाई, माना कि कॉपी का मूल्य, ठीक है, कॉपी का मूल्य इस तरीके से लिख लेंगे बराबर में x मान लिए, कॉपी के मूल्य को x माने, और उसी तरह पेन की मूल्य को, पेन का मूल्य भाई आपका हो जाएगा ये y। आया प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया, इस तरीके से लिखना आपको आना चाहिए, प्रश्नानुसार आपको इस तरीके से लिख लेना है। देखो एक कॉपी बोला गया, तो 1x प्लस पेन का मूल्य, मतलब कितना पेन है, 5 पेन, तो मतलब यहाँ पर 5y बराबर में 20 है, तो 20 दोनों का टोटल मूल्य 20 रुपये ना, इसलिए दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये हुआ आपका आंसर। इस तरीके से आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 15 व अंतर जो है भाई आपका 10 है। तो इसमें देखो, इसमें 2 कंडीशन है, इसमें भी 2 कंडीशन, इसमें सिंगल कंडीशन है, कैसे डबल सिंगल कंडीशन बोल रहा हूं, इसको समझते चलना आप लोग। देखो यहां पर दो संख्या बोला गया, हमें नहीं पता कि वो दो संख्या कौन सा है, तो आप हम लोग क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, माना कि पहला संख्या, ठीक है, दो संख्या बोला गया, तो पहला संख्या हम क्या मान लेते हैं, एक्स। उसी तरीका से हम दूसरा संख्या भी मान लेते हैं, दूसरा संख्या क्या है भाई हमारा, वाई, एक्स और वाई हुआ। फिर इसमें प्रश्न में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग बोला गया, तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और अंतर का मतलब होता है घटाना। तो इस तरीका से हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार
दोनों संख्याओं का योग मतलब जो पहला संख्या और दूसरा संख्या उसका योग x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 15, ये वो हमारा समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, वही हमारी सॉल्यूशन है, मतलब शरीर पर समीकरण बनाना है तब। दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोल रहा है अंतर बोला गया, मतलब x माइनस वाई बराबर अंतर मतलब घटाना, तो इसका मान कितना होगा बोल रहा है 10 बोल रहे हैं, तो ये हुआ इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंपल से इसको बनाना है। फिर इसी समीकरण को एक्चुअल में हल करना आपको सिखाया जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे ठीक। कुछ हिरण और कुछ पक्षियों के सिरों की संख्या 30 है और पैरों की संख्या 60 है। हमें नहीं पता वहां पर कि कितने हिरण और कितने पक्षी, लेकिन हमें बता दिया है भाई कि पैरों की उनकी सिरों की संख्या 30 और टोटल सिरों की संख्या 30 और पैरों की संख्या जो है 60 है। तब इसके लिए हमें समीकरण बनाना है, इस तरीके से करेंगे इसको भी, माना कि क्या हो जाएगा हिरण, हिरण की संख्या इसको मान लेता हूं मैं एक्स, उसी तरह पक्षियों की संख्या क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे पक्षियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका वाई। आया आप लोगों को ठीक है, इतना कर लिए। फिर आपको करना क्या है, बहुत आसान है, जैसे ही प्रश्न अनुसार बोला गया तो प्रश्न में बोल दो, लिख दो भाई प्रश्न अनुसार हमारा, देखो सिर के लिए समीकरण, तो हिरण का भी एक सिर होता है और पक्षी का भी एक सिर होता है, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 30 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन, समीकरण नंबर वन हुआ। पुनः हम किसके लिए बना सकते हैं, पुनः हम जो पैरों के लिए समीकरण लिखना है, तो पैरों के लिए समीकरण कैसे हो जाएगा भाई, देखो पहले हिरण, हिरण के चार पैर होते हैं तो 4x लिख लेंगे, प्लस आपके पक्षी के कितने दो पैर होते हैं, इसलिए यहां पर 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 60, ये हुआ समीकरण नंबर दो, यही है आपका सॉल्यूशन। इस तरीका से आपको बना लेना है, आपको ये चर राशि समझिए। अब इसके बेसिस पर जितना मैं बताया उसके बेसिस पर कंफर्म है कि आपका प्रश्नवली एक जो है बन जाएगा ठीक है। तो प्रश्नवली एक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आप लोग करके जरूर देखेंगे, और उसमें दो क्वेश्चन है प्रश्नवली एक पर, एक तो पूरा समीकरण बनाने वाला तो वो बना करके जरूर देखेंगे, और नहीं बनता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सके, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका अगर नहीं बन रहा तो उसकी सॉल्यूशन आपको बता पाए समझा पाए ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा कि कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन हल करने की इसकी तीन विधि होती है, आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तीनों विधि आपको सिखाया जाएगा जिससे आपका 6 मार्क्स जो है कन्फर्म हो जाए। तो आप लोग बस क्या करो, जो चीज़ें सिखाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप उसको सीखते चलो, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी ऑन करके रखो, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है इस चैनल के माध्यम से अच्छा हो पाए। और अब एक चीज़ मैं बताते चलो आपको कि पूरी वीडियो ऑलरेडी डल गई है, न्यू सेशन है इसलिए नए सिरे से स्टार्ट किए, ताकि आपको जो सटीक चीज़ें हैं मिल पाए ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।